मेरा नाम रचना दत्ता है और आप देख रहे हैं मदरहुड दिल से। आज ये स्पेशल ब्लॉग होने वाला है अगेन, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप आ जाइए, हेलो कर दो। इसके बाद कर्नल जी को इनवाइट किया गया था। उन्होंने कुछ शब्द बोले जिनके शब्दों ने सभी को प्रेरित किया, और उन्होंने एक बार फिर रिपब्लिक डे को की इम्पोर्टेंस को हमें बताया, ताकि बच्चों के जहन में वो अच्छे से बैठ जाए, जिससे बच्चे प्रेरित हों। हमारी आज़ादी 1947 में थी, लेकिन हेलो बोलो। हमारे बच्चों को श्रुति हेलो बोलो, इसको कैमरा में हेलो बोलो, तेज 1 2 3। इसके बाद हमने टग वॉर खेलना स्टार्ट किया। टग वॉर में पहले जेंट्स ने पार्ट किया, और सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो कोरोना काल था उसमें सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, और उसके बाद ये ऐसा टाइम था जिसमें सभी ने अपना जो अंदर का बच्चा था वो बाहर निकाला, और जेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। Yeah.
अभी हमारी एक बात हो रही है निकल कर गई कि टावर 4-5 ट्रक टावर 4 और 5 पुरुष टावर 6 टावर 7 कब्जा टावर 5 और 4 के पुरुष इधर टावर 6 पुरुष इधर हाँ जैसे भी कुछ कहते हैं ना
भाई टावर लीडर कहाँ है? हाँ सबने समोसे खा लिए हैं ना, वैसे साथ में कोई नहीं लगा था। नहीं नहीं हमारे में नहीं लगे थे। बड़ों के बाद बच्चों ने पार्ट लिया और बच्चे भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे पार्ट लेने के लिए और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। अब आती है नारी शक्ति की बारी जो कि है लेडीज। अब लेडीज की बारी है टग वॉर में, देखते हैं कौन जीतता है। जब बच्चे के गेम में बड़े लगा सकते हैं तो बड़े बच्चे के गेम में लगा सकते हैं। अरे जो लगा दे वही तो। सिक्स वाले कितने? खूब सारे हैं। खूब सारे बहुत आगे तक है भी आंटी। इसमें हमने कोशिश तो बड़ी करी, जी जान लगा दी अपनी, बट जीत नहीं पाए, हार ही गए। बट बहुत मज़ा आया इसे खींचने में, मेरा पैर भी ट्विस्ट हो गया था इसे, बस गिरते गिरते ही बची थी। अब बारी आती है बॉयज़ और गर्ल्स के टग वॉर में। बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि समझ जाना लेडीज़ और जेंट्स, अभी सभी जवान हैं क्योंकि जिस तरीके से सभी ने पार्टिसिपेट किया है लगता तो यही है। जोर देंगे अभी जरूरत नहीं है। अभी नाक कट जाएगी यार। जी बात पे होते हैं बॉयज विनर, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था और किसी ने पीछे से कहा भी था कि आज अब ये जीते हैं तो इनकी शामत आई है और अब इनको घर पे रोटियां ही बनानी पड़ेगी। हाँ,
अब हम आएगी लेडीज़ की बारी। सभी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, बस जो साड़ी पहन के आई थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि भागने में प्रॉब्लम होती है। बट ये जो हमारी रेस थी ये दो तीन बारी हुई क्योंकि दो बारी लेडीज़ ने चीटिंग करी जो कि वो छू के ही नहीं है जिसको छूना चाहिए था। पहली तीसरी बार में रेस कम्प्लीट हुई और मैं थर्ड आई। सेकेंड टाइम थी जो रेस हुई थी उसमें मैं बहुत पीछे थी तो मेरे लिए तो अच्छा ही था। थर्ड टाइम में मैं थर्ड आई जब थर्ड टाइम रेस हुई तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड टाइम में तो मैं कुछ आई नहीं थी, बहुत पीछे थी। मजे ले ले, मजे ले ले, भागो। और ये इस रेस का स्लो मोशन है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है
वापस पड़ा भैया को दे बाबा दूसरा पकड़ा हुआ नहीं हां हो गया आगे ले लो ले ले हेलो बीजेपी कार्यकर्ता के सदस्य लड्डू देते हुए आओ बच्चा लाइए भैया प्रीति भाभी लड्डू लेते हुए अन्नु भाभी का लड्डू नमस्कार हाउ आर यू आज 26 जैन से ही रिपब्लिक डे से ही हमारे जो सोसाइटी है उसमें प्लांटेशन का वर्क भी स्टार्ट है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है कि किस तरीके से हमने प्लांटेशन को की शुरुआत की हमारी सोसाइटी में, और इसी तरीके से हम ये प्लांटेशन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। आपसे भी सभी से निवेदन है कि आप भी अपनी सोसाइटीज़ में आसपास के पार्क में इसी तरीके से प्लांटेशन करवाएं, ताकि हमारे आसपास ग्रीनरी ही ग्रीनरी रहे और हमारा पूरा संसार हमारी सोसाइटी आसपास के सभी पार्क रोड्स सभी हरे भरे रहें, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित है वो भी अच्छा हो जाए। जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।